अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इस वीडियो में हमें डिस्कस करना है बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि मोबिलाइजेशन ऑफ फैट्स में हमने ग्लिसरॉल और उसको फैटी एसिड्स को अलग अलग कर लिया था कि ट्राइसाइड ग्लिसराइड में से फैटी एसिड्स को अलग निकाल लिया था और ग्लिसरॉल को अलग निकाल लिया था। अब हम देख रहे हैं कि फैटी एसिड को जो अलग निकाला था उसका हमने क्या करना है। फैटी एसिड का जो कैटाबॉलिज्म है वो मेनली माइटोकॉन्ड्रियल प्रोसेस है, उसे हम कहते हैं बीटा ऑक्सीडेशन। अब ये होता क्या है, ये माइटोकॉन्ड्रियल में होता है जो और भी बहुत सारे सेल्स में होता है, मेनली ये कार्डिक मसल सेल में और स्केलेटल मसल सेल में और उसके साथ लीवर में होता है। अब इसका कुछ इंट्रोडक्शन देख रहे थे कि इसके कुछ स्टेप्स हैं अभी ऑक्सीडेशन के। पहला स्टेप तो ये है कि एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड। फैटी एसिड को एक्टिव कैसे करेंगे, पहले उसके बाद उसकी ट्रांसपोर्ट करेंगे, उसको साइटोसोल से माइटोकॉन्ड्रिया में लेके आएंगे। उसके बाद बीटा ऑक्सीडेशन जो मेन हमारा वो है टॉपिक है, उसके ये आगे फर्दर फोर स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप ऑक्सीडेशन, हाइड्रेशन, फर्दर ऑक्सीडेशन, फिर थायोलेज के साथ उसकी ब्रेक डाउन करते हैं। इसका निमोनिक है ओ हॉट, ये याद रख लें। अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कंसीडर कर रहे हैं कि एक फैटी एसिड साइटोसोल में आ गया है, एक सेल के अंदर आ गया है और ये फैटी एसिड इसी तरह हम चेन को आर से रिप्रेजेंट करेंगे और ये इसका कार्बोक्सिल। और इसमें जो है बीटा ऑक्सीडेशन में इसका जो फैटी एसिड ब्रेक डाउन होता है वो कार्बोक्सिल एंड से दो कार्बन ब्रेक डाउन होते रहते हैं और वो कार्बन क्या प्रोड्यूस करते हैं, NADH, FADH2 और वो इट सेल्फ एसीटाइल कोए होते हैं। हम फर्स्ट स्टेप पे जा रहे हैं, एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड। फैटी एसिड साइटोसोल में है, अब इसकी एक्टिवेशन कैसे होगी। इसको रन करने के लिए ATP आया, ATP ने एनर्जी दी है और ये फर्दर आगे जाके ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया। और जो एंजाइम इधर वर्क करेगा वो होगा फैटी एसाइल कोए सिंथेटेज, फैटी एसाइल कोए, और ये एंजाइम जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन का एंजाइम है। इधर से हमने को ए साथ ऐड इसमें रिएक्शन में ऐड किया। असल में जो एक्टिवेशन जो है वो यही है कि फैटी एसिड को फैटी असाइल को ए में कन्वर्ट करना है। ये फैटी असाइल को ए आगे बन गया कोए, ये इसको मैं ये कोए जो है वो इसके साथ अटैच हो गया, ये बन गया फैटी असाइल कोए। अब ये फैटी असाइल कोए जो बन गया, अब इसका मसला ये है कि ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डायरेक्ट नहीं जा सकता। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए दो एंजाइम्स हैं, एक दो इसके ट्रांसपोर्टर्स हैं। एक एंजाइम है CAT1 कार्निटीन असाइल ट्रांसफरेज 1, इसका दूसरा नाम ये भी है कार्निटीन पामिटॉइल ट्रांसफरेज 1। दूसरा एंजाइम जो है वो ये है CAT2 कार्निटीन असाइल ट्रांसफरेज 2। अब कार्निटीन असाइल ट्रांसफरेज 1 का जो फंक्शन है वो ये है कि ये कार्निटीन एक कैरियर है, उस कैरियर को ये यहाँ से रिलीज कराएगा, कैरियर कार्निटीन। कार्निटीन को इसके साथ फैटी एसाइल कोए के साथ अटैच करवाएगा और कोए को रिमूव करवा देगा, मतलब कि यहाँ से ये इस तरह ये ट्रांसपोर्टर के थ्रू जैसे कार्निटीन आया इधर से
फैटी एसिड आया, कोए यहाँ से रिमूव हो गया। कोए के साथ ये थायोलेज ग्रुप भी अटैच है। अब अंदर आके जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आके यहाँ बन गया फैटी एसाइल कार्निटीन। इधर आ गया ये कार्निटीन, इसका नाम फैटी असाइल कार्निटीन। जिस चैनल के थ्रू आया इसका नाम है कार्निटीन असाइल कार्निटीन ट्रांसलोकेज, इसको हम कहते हैं। अब कार्निटीन अंदर आ गया, अब हमें फर्दर चाहिए कि एक्टिव फॉर्म इसकी चाहिए फैटी असाइल को है। अब जो साइकिन एंजाइम है कार्निटीन असाइल ट्रांसफरेज टू, जो इसने क्या करना है, इसका काम है कि इसने यहाँ से कार्निटीन को रिमूव कराना है और को ए को इसके साथ फर्दर अटैच करवा देना है। ये कार्निटीन को यहाँ से रिमूव करा के वापस भेज देगा बाहर और इसके साथ ये को ए को इधर ऐड करवा देगा। ये आगे यहाँ पे आके यहाँ में से फिर वही फॉर्म मिल गई एक्टिव फॉर्म जो हमने यहाँ बाहर जो जिसको ब्रेक किया था, ये दोबारा फैटी एसाइल को ए बन गया। ये हमारे यहाँ पे सेकंड स्टेप कंप्लीट हो गया कि इसकी ट्रांसपोर्ट हो गई। उसके बाद अब शुरू हो रहा है बीटा ऑक्सीडेशन, जो मेन हमारा स्टेप है। बीटा ऑक्सीडेशन का जो फर्स्ट स्टेप है वो है ऑक्सीडेशन। यहाँ में हम देखते हैं ऑक्सीडेशन कैसे होती है। इसका जो एंजाइम है वो है असाइल को ए डिहाइड्रोजिनेज, को ए डिहाइड्रोजिनेज, DH लिख दिया मैंने। और इसके साथ यहाँ पे आके ऑक्सीडेशन में क्या होता है, या तो हाइड्रोजन रिमूव होता है या ऑक्सीजन ऐड होता है। यहाँ पे हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, FAD आया यहाँ पे और इसने आके दो हाइड्रोजन ले गया। हमारा आगे जो प्रोडक्ट बन रहा है वो है वो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया क्योंकि एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हुआ, एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हुआ। और ये हमारा इसका नाम क्या है, ट्रांस टू इनॉइल को ए, मतलब कार्बन नंबर टू पे के साथ डबल बॉन्ड है और ये ट्रांसफॉर्म है, सिस फॉर्म नहीं है, ट्रांस टू इनॉइल को ए। ये असाइल को ए डिहाइड्रोजिनेज जो एंजाइम है ये एक फैमिली है एंजाइम्स की, जो ये फैटी एसिड की चेन पे डिपेंड करते हैं कि इसकी फोर टाइप्स होती हैं फर्दर, तो उस पे डिपेंड करता है कि चेन लेंथ कितनी है, उस हिसाब से ये एंजाइम आता है। अब सेकंड स्टेप जो इसका है वो है हाइड्रेशन। हाइड्रेशन में क्या होगा, एक एंजाइम जो इस एक तो इसमें हाइड्रेशन में होता है वाटर ऐड होता है, वाटर ऐड हो गया और जो एंजाइम इसको रन करा रहा है वो है इनॉइल को ए हाइड्रेटेज, को ए हाइड्रेटेज। हमने जहां डबल बॉन्ड बनाया वहां हमने वाटर ऐड करना है। वह जाते हैं RCH, ये OH, एक हाइड्रोजन जी ऐड हो गया और OH जी ऐड हो गया।
ये वाटर ऐड हुआ, एक हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हो गया और दूसरा OH यहाँ ऐड हो गया। ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप, ये हमारा सेकंड स्टेप। कुछ बुक्स में इस एंजाइम के साथ 2,3 भी लिखा हुआ है। 2,3, 2,3 किसे लिखे हुए? कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3। कार्बन नंबर 2 और 3 के दरमियान इन्होंने वाटर ऐड करवाया। अब इस कार्बन नंबर जो कार्बोक्सिल एंड से जो कार्बन नंबर 1 होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप से अगला जो, इसे हम कहते हैं अल्फा कार्बन, और जो इससे अगला कार्बन होता है उसे हम कहते हैं बीटा कार्बन। जो कंपाउंड बना है इसका नाम है बीटा हाइड्रोक्सी असाइल को ए। अब जो थर्ड स्टेप जो इसकी तरफ हम जा रहे हैं वो है फर्दर इसकी ऑक्सीडेशन। इस ऑक्सीडेशन, ये स्टेप नंबर 3। इस स्टेप में जो एंजाइम यूज हो रहा है वो होगा बीटा कीटो असाइल डिहाइड्रोजिनेज, बीटा कीटो असाइल डिहाइड्रोजिनेज। इसमें हाइड्रेशन में यहाँ भी हाइड्रोजन रिमूव, हाइड्रोजन की रिमूवल हो रही है। ये वो कौन करवा रहा है? ये है कि NAD आता है, NAD कोएंजाइम, और ये NADH प्लस H में कन्वर्ट होकर चला जाता है। मतलब दो हाइड्रोजन यहाँ से भी हमने ऑब्टेन होंगे। यहाँ इस स्टेप में ना मैं R चेन के दो कार्बन और दिखा शो कराऊंगा, R CH2 CH2 C। अब यहाँ पे मैं बताता हूँ CH और ये H C डबल बॉन्ड O। अब यहाँ पे हुआ क्या है कि ये जो एक हाइड्रोजन ये वाला रिमूव हो गया और ये एक हाइड्रोजन ये वाला रिमूव हो गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया कार्बन और ऑक्सीजन का। अब ये कंपाउंड बना, इसका नाम है बीटा कीटो असाइल को ए। यहाँ तक इसके थर्ड 3 स्टेप्स हो गए। जो फोर्थ स्टेप है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है। ये इसमें क्या है? थायोलेज डिपेंडेंट क्लीवेज है। ये जो हमारे पास बीटा कीटो असाइल को ए जो है, इसको हमने ब्रेक करना है, यहाँ इसमें से एसिटाइल को अलग कर लेना है और बाकी आगे कंपाउंड लेके जाएंगे। यहाँ पे थायोलेज आया, थायोलेज इस एंजाइम है, और इस यहीं इसी यहीं पे हमने एक कोएंजाइम ए विथ थायोलेज ग्रुप अलहदा भी प्रोवाइड करना है। वो किस लिए, वो आगे देख लेते हैं। अब यहाँ पे ये जो क्लीवेज हो रहा है वो यहाँ इस स्टेप पे जाके, इस जगह जाके क्लीवेज करेंगे, ये असाइल को एसिटाइल को ए ग्रुप अलहदा कर देंगे और बाकी चेन आगे चलती रहेगी। यहाँ पे ये देखें, ये आ गई चेन RCH2 CH2 C डबल बॉन्ड O, और ये जो थायोलेज हमने प्रोवाइड किया था ये यहाँ तक ये सारी चीज़ें आ गई, और उसके साथ ये को ए सच। अब ये बाकी ये जो चीज़ रिमूव हुई है इसे हम कहेंगे एसिटाइल को ए। इसमें क्या है? ये सी डबल बॉन्ड ओ और ये इसे हम इस ये हमने इस साइकिल से अलहदा कर लिया, एसिटाइल को ए, और ये जो है ये अगेन फैटी एसाइल साइल को ए बन गया। हमने स्टार्ट में 16 कार्बन कंपाउंड अगर लिया है तो यहाँ पे ये 14 कार्बन कंपाउंड बच गया। अब ये 14 कार्बन कंपाउंड है, इसने क्या करना है? इसने दोबारा ये हम यहाँ पे जाना है, यहाँ पे जाके
दोबारा ये ऑक्सीडेशन करवाएगा और हर दफ़ा में दो दो कार्बन इस यहाँ से रिमूव होते जाएंगे। एंड में आके उस वक्त इसकी ऑक्सीडेशन होती रहेगी जब तक आखिरी एक एसीटाइल कोए नहीं बन जाता। अब जो एसीटाइल कोए बना इसका क्या हमें फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि ये क्रैब साइकिल में जाएगा, क्रैब साइकिल में जाके इसने एनएडीएच बनवाना है और उसके अलावा एफएडीएच बनवाना है, एफएडीएच टू और एटीपी। इन तीनों चीज़ों से मिल एटीपी तो यहाँ तो अलहदा भी एटीपी बना, एनएडीएच और एफएडीएच से भी फर्दर जो आगे बनती हैं वो भी एटीपी बनती हैं। और एटीपी क्या है? बॉडी का मेजर एनर्जी सोर्स है, बॉडी जो ये बॉडी का जो मेजर एनर्जी फ्यूल है वो है एटीपी। अब ये जो यहाँ तक हो गया ये, अब ये कार्निटिन एसाइल ट्रांसफर जो वन एंजाइम है इसको एक चीज़ इनहिबिट भी कर रही है, वो इनहिबिट क्या कर रही है? वो है मेलोनाइल को ए। बट मेलोनाइल को ए जो है वो जब फैटी एसिड सिंथिसाइज हो रहे थे उस वक्त सेल के अंदर मौजूद होता है। सेल को ये पता है कि जब मेलोनाइल को ए होगा, फैटी एसिड की सिंथेसिस हो रही होगी, उस वक्त मैंने कार्निटिन एसाइल ट्रांसफरेज वन को इनहिबिट कर देना है। उसके इनहिबिट करने से क्या होगा? जो फ्रेशली परमिटेड बन रहा होगा वो आके इसके अंदर वो इसकी बीटा ऑक्सीडेशन शुरू नहीं होगी, क्योंकि बीटा ऑक्सीडेशन तब होगी जब हम एनर्जी की जरूरत पड़ रही है। अब जो फैटी एसिड सिंथेसिस उस वक्त बनते हैं कि जब ज़्यादा एनर्जी, ज़्यादा ग्लूकोज बॉडी में आ गया है तो उसको स्टोर करने के लिए फैटी एसिड बन जाते हैं। अब चूंकि बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत नहीं है, वो फैटी एसिड्स बन रहे हैं, तो वो उसने मेलोनाइल को ए जब होगा उसने इस एंजाइम को इनहिबिट करवा देना है ताकि बीटा ऑक्सीडेशन ना हो। ये हमने सारा कर लिया। ये है कि मेजर इसमें ये किया कि बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ इवन नंबर फैटी एसिड्स, इवन नंबर फैटी एसिड्स की हमने बीटा ऑक्सीडेशन की है इसमें। अब यहाँ देखते हैं कि हमने एक साइकिल में क्या कुछ प्रोड्यूस किया। उसमें यह है कि एक तो हमने एक एसिटाइल कोए हमें मिल गया और दूसरी चीज जो हमें मिली वो एक मिला, एक एनएडीएच मिला और एक एफएडीएच टू। और जो इस तरह साइकिल चलता है, देखो लास्ट जो स्टेप होगा उसमें क्या होगा कि बाकी चीजें तो मिलेंगी इसी तरह, एनएडीएच टू एनएडीएच भी मिलेगा, एफएडीएच भी मिलेगा, लेकिन एसिटाइल को ए जो होगा वो दो मिलेंगे। वो किस तरह वो मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये 16 कार्बन एक कंपाउंड बना रहा हूँ, एक दो तीन चार पाँच छ सात, इसमें ये एक एक क्लीवेज में हम एक साइकिल में हमने दो कार्बन रिमूव करा दिए, एक फर्स्ट साइकिल, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स और सेवन्थ। सेवन्थ जो साइकिल हमने इसमें क्या किया कि दो एसिटाइल कोए प्रोड्यूस करवाए हैं, मतलब कि दो कार्बन ये और दो कार्बन जे यहाँ से रिमूव हुए हैं। इस तरह बाकी सारे स्टेप्स में एक एक एसिटाइल कोए बनेगा, लास्ट स्टेप में जो है वो दो एसिटाइल कोए बनेंगे। अब एक बहुत ज़्यादा एमसीक्यू पूछा जाता है वो ये है कि अगर 16 कार्बन वाला कंपाउंड है तो उसमें साइकिल कितनी दफ़ा चलेगा? अगर वैसे ही सोचें तो इस तरह लगेगा कि 16 कार्बन है तो एसिटाइल कोए करते करते दो दो अलहदा करते करते हमने एंड में दो दो एक एसिटाइल कोए मिलेगा तो साइकिल इस तरह 8 दफ़ा चलेगा। लेकिन इस तरह नहीं होगा कि साइकिल चलेगा 7 दफ़ा और एसिटाइल कोए बनेंगे 8। इसको याद रखने के लिए फार्मूला है एन बाय टू माइनस वन, मतलब एन जो है नंबर ऑफ कार्बन्स हैं, नंबर ऑफ कार्बन्स इसको ये इतनी दफ़ा साइकिल चलेगा। इसको हम पुट करके देख लेते हैं, 16 अगर आ गया 16 बाय टू इंटू माइनस वन, मतलब कि ये 2 8 जा और ये साइकिल आ गया 7 टाइम, 7 टाइम ये फोर स्टेप्स जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं। ये होगी हमारे पास
ऑक्सीडेशन, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ इवन नंबर फैटी एसिड्स। अब हम देख लेते हैं बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ ऑड नंबर फैटी एसिड्स। ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स विद ऑड नंबर ऑफ कार्बन। इसमें भी ये बाकी सारे स्टेप सेम होंगे, साइकिल चलता रहेगा जो हमने पहले पढ़ा है कि साइकिल इसमें चलता रहेगा। एंड में जो इसमें आखिरी स्टेप होगा वो वहाँ से थोड़ा साइकिल चेंज होता है। उसमें ये है कि एंड में क्या बनेगा, प्रोपियोनाइल को ए। ये थ्री कार्बन कंपाउंड बच जाएगा एंड में, यहाँ से थोड़ा सा थोड़ी सी चेंजिंग आएंगी, बाकी जो शुरू वाले सारे स्टेप्स हैं वो वही होंगे जो हमने पहले पढ़ लिए हैं। फर्स्ट स्टेप जो है वो ये कि प्रोपियोनाइल को एक ही कार्बोक्सिलेशन होगी और ये बन जाएगा डी मिथाइल मेलोनाइल को ए। इसकी स्ट्रक्चर ये इस तरह होगी, कार्बोक्सिलेशन में सी कार्बोक्सिल ग्रुप ऐड हो गया इसमें और CH3। इस रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए एटीपी ने एनर्जी प्रोवाइड की। और इसमें हमने यहाँ पे बाइकार्बोनेट भी ऐड किया है जो इसकी कार्बोक्सिलेशन के लिए इस्तेमाल होगा। इस रिएक्शन का जो एंजाइम है वो है प्रोपियोनाइल को ए कार्बोक्सिलेज। ये रिएक्शन जो है एक कोएंजाइम की मौजूदगी में होता है, वो है बायोटिन। इसकी मौजूदगी में ये रिएक्शन प्रोसीड होता है। अब ये जो मिथाइल मेलोनाइल को है इसकी दो फॉर्म्स हैं, एक डी फॉर्म और एक एल फॉर्म। अब ये फर्दर जो डी मिथाइल मेलोनाइल को है जो है ये अपनी एल फॉर्म में कन्वर्ट होगा, वो इस तरह कार्बोक्सिलेन। यहाँ पे CH3 ग्रुप यहाँ पे आ जाएगा। ये बन गया एल मिथाइल मेलोनाइल को ए। इस रिएक्शन को जो प्रोसीड किया वो है मिथाइल मेलोनाइल को ए रेसिमेज। जो एल मिथाइल मेलोनाइल को ए है ये आगे जाके सक्सीनाइल को ए में कन्वर्ट हो जाएगा। जो एंजाइम यहाँ पे यूज होगा मिथाइल मेलोनाइल को ए म्यूटेज। यहाँ पे आगे जाके बन गया ये सक्सीनाइल को ए। इसकी स्ट्रक्चर और यहाँ पे एक कोएंजाइम यूज हो रहा है वो है कोएंजाइम फ्रॉम विटामिन B12। विटामिन B12 जो है एज अ कोएंजाइम यहाँ पे यूज हो रहा है, विटामिन। अभी सक्सीनाइल को ए जो बन के यहाँ पे, अब इसने आगे फर्दर क्या करना है, इसके फर्दर काफी सारे फेट्स हैं वो बताता हूँ। एक तो ये क्या करेगा, ये डायरेक्ट बनवा देगा ATP। दूसरा ये क्या करेगा, कर सकता है ये TCA साइकिल में चला जाएगा, वहां से भी जाके आगे जाके ATP बनवाएगा। और तीसरा एक और जो है वो कि ये हीम फॉर्मेशन में हीम पोरफायरिंस
इनकी फॉर्मेशन में आगे चला जाएगा। अब इसके जो क्लिनिकल्स हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इसकी ये हमारी हो गई सारी ऑक्सीडेशन कंप्लीट, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स इवन नंबर कार्बन के साथ और ऑड नंबर कार्बन के साथ। इसके जो मुख्तलिफ एंजाइम्स की डेफिशिएंसीज हैं उनसे फर्दर जो डिजीजेज होती हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। अब के लिए इतना ही काफ़ी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।